आफ्टरनून संगीता जी, आपका भाई इन्फॉर्म कर देती, मैं आपको जल्दी बुला लेता। वो क्या है ना डॉक्टर, ट्रैफिक एंड ऑल की वजह से मैं ना घर से पहले ही निकल गई थी। अगर आपके अपॉइंटमेंट से तो मैं बाहर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आई नर्स, कोई अपॉइंटमेंट हो तो उसे होल्ड कर दो, ठीक है? सांस लो। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं डॉक्टर। लिखो। मेडिसिन बदल देता हूँ और एक इंजेक्शन देना होगा। इंजेक्शन क्यों? से आपका स्ट्रेस कम हो जाए। आप घबराइए मत, आप लेट जी। टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। मैं आपकी मेडिसिन बदल देता हूँ और एक इंजेक्शन देना होगा। संगीता, संगीता क्या हुआ? संगीता, अरे क्या हुआ? उठो 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 उठो, चल उठो उठो, बैठ जा। क्या हुआ, रोकी हो रही है? अरे बोलो ना संगीता, हुआ क्या? वो डॉक्टर, उसने मेरा फायदा उठाया। किसने फायदा उठाया? मेरा साइकेट्रिस्ट, उसने मुझे इंजेक्शन दिया और उसके बाद बेहोश करके। साले तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आपने मेरा फायदा उठाया है डॉक्टर प्रसाद। राजवीर, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बीवी एक मेंटल पेशेंट है, इसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मत बोल, तूने मेरी बीवी का जो किया है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगा। हम यहाँ पे
अरे वो घर की लाइट गई हुई थी ना, तो मैं गलती से इस कमरे में आ गई। चल ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, मेरी डॉक्टर से बात होती है फोन पे। उसने कहा है कि उसकी रिपोर्ट्स में भी यही आया है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरे बेटा, तो फिर उसे अकेले जाने की क्या जरूरत है? कोई तो घर वाला उसके साथ होना चाहिए ना। तू एक काम कर, अभी रेशमा को यहाँ पे बुला और उसके बाद अपनी बीवी से भी बात कर ले। ठीक है मैम, मैं संगीता से बारे में बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, बैठो। हाँ, ठीक है, आप बैठो यहाँ पर। अरे रेशमा, रेशमा रोहित को मुझे दे दो। देखो साहब क्या कह रहे हैं। रोहित चलो हम दोनों भाग घूम जाए। नहीं, मुझे रेशमा आंटी के साथ ही रहना है। रहने दीजिए ना मैडम, इसको मेरे पास में तो खामखा रोने लग जाएगा। हाँ साहब, आपने बुलाया मुझे। रेशमा, कल संगीता की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और तुम संगीता के साथ जाओगी, क्योंकि हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सीधा बोल क्यों नहीं देते कि मैं पागल? क्यों राजी, तुम्हारी माँ तो दुनिया के सामने मुझे पागल बनाने के लिए हमेशा उतारू रहती है, और अब तुम भी कह ही दो ना। अरे संगीता, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं पागल नहीं हूँ, समझे? मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की सब नाटक कर रही है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी, मेरी ना गलती होके भी मुझे बस गुनेगार बनाने पे तुली रहती है आप। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह तो मैं अपॉइंटमेंट लेके इसके साथ क्यों जाऊँ? तुम चलो मेरे साथ, या तुम्हें भी मुझ पे शक है कि मेरा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं, तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज काम रहो, एक बार रोहित के बारे में सोचो। हाँ साहब, मैडम सही तो बोल रही हैं, मैं तो बस नौकर हूँ, अगर वो नंदी मैडम के साथ जाएंगी तो अच्छा ही रहेगा, और वो इनके अच्छी दोस्त भी हैं। ठीक है, मैं नंदनी से इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मुझे इस टॉपिक के ऊपर अब और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, बस। रोहित का दूध गर्म कर दिया। अरे वो तो मैडम मेरे ध्यान से निकल गया, मैं अभी कर देती हूँ। तुम जल्दी से दूध गर्म करो, मैं उसका बैग भरती हूँ, वरना लेट हो जाएगा वो। गलती होती है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
संगीता, जब वो बोल रही है कि उसने गलती नहीं की है, उसने ये ऑन नहीं किया है, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो सकता है कि तूने ही चालू करके गैस खुला छोड़ दिया हो। माजी, आप क्या बोल रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इससे बड़ी बड़ी गलतियां की है तूने। एक तो तेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और तू अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रही है। अरे नंदिता, तुम कब आई? जस्ट अभी। तुम्हें देख के ना दिल खुश हो जाता है यार। अभी तक यही हो? अरे हाँ, बस मैं नंदनी से बात करके जा ही रहा था ना। चलो, यू टू एंजॉय शाम। बाय। ठीक है। हाँ नंदनी, मेरी बात याद रखना। जरूर। तुम्हारा पति कितना फनी है, एंड यू आर वेरी लकी कि तुम्हें राजवीर जैसा हस्बैंड मिला। क्यों, क्या बोल रहा था राजवीर? नथिंग, कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। अच्छा चल, छोड़ ये सब, वरना देर हो जाएगी। अरे नंदिनी बेटा, जरा आराम से ले जाना मेरी बहू को। समझ में आया? क्योंकि इसे तो रास्ता भटकने की बहुत बुरी आदत है। अरे चिंता मत करिए माँ जी, अच्छे से लेके जाऊंगी। ओके बाय बाय। तो क्यों सुबह सुबह बुढ़िया के मुंह लगती है? इसको तो कुछ काम है नहीं तुझे छेड़ने के अलावा। अब चल। मैडम आप अभी पकड़िए ना, मैं इसको कुछ खिला देती हूँ। आ जाओ। क्या कहा फिर डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ जी, सब नॉर्मल। डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ लिखी। सब नाटक है, पता नहीं इस बीमारी से कब पीछा छूटेगा, भगवान ही जाने। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो इसका एक ही बार में छुटकारा मिल जाए। मैडम, ये थाली आपने यहाँ पे क्यों रख दी? आपने ऐसा क्यों किया? गलती से मेरी जान लेकर छोड़ेगी तू? चलिए माँ जी, आप साड़ी बदल लीजिए, आइए। क्या साड़ी बदल लूँ? पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। मेरे पैसे चिल कर। अब ये बात का और पतंगड़ बनाएगी। तुमने रेशमा पे इतनी छूट क्यों दे रखी है? नौकरानियों जैसा ट्रीट क्यों नहीं करती? गलती मेरी है, काम वगैरह में अच्छी थी तो माँ जी ने तो इसको सर पे ही चढ़ा रखा। वाह रेशमा, क्या खाना बनाया है! बिरयानी तो ऐसी बनाई है ना तुमने, वाह! सच में मैं तो फीका खाना खा के ना पक गई थी बिल्कुल। वाह रेशमा आंटी, बिरयानी बहुत अच्छी बनी। रेशमा, तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब तुम्हें रखा था तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। अरे संगीता, अरे कहाँ जा रही हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो उसके पीछे पीछे? जाने दो उसे, बाद में समझाना उसको। खाना खाओ चुपचाप।
और हाँ रेशमा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओ। बेटा, मेरी दवाई का समय हो गया, अब तू भी आराम कर जाके। हाँ माँ जी, मुझे पता है, मैं बस अभी लेकर आई। संगीता को भी जाकर दवा दे दे, पता नहीं दवाई खा के उसकी दिमागी हालत ठीक होगी भी कि नहीं, पर जा दे आ जाके उसे। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। मैडम, ये आपकी दवाई। मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रेशमा, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल कल रात को आप रो रही थी ना, तो मेरे मन में आया कि मैं आपसे आकर एक बारी बात कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो एक नौकर हूँ और आप मुझसे कहाँ। रेशमा मैं ठीक हूँ, पर मेरे घर में कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। इस घर में मेरा दम घुटता, हमेशा सोचती हूँ कि इस घर वालों का कुछ अच्छा कर लूँ, पर हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। सब मुझसे दूर होते जा रहे, इसलिए मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं आपकी बात कोई मन से लगाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे हालातों से गुजर रही हैं, पर क्या रेशमा, देखो तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे कोई बात मत छुपाओ, बोलो। मैडम आप बिल्कुल नॉर्मल हो, और ये डिप्रेशन विप्रेशन आपको नहीं है, आप पूरी हेल्दी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई आपको ना पागल करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब, कौन कर रहा होगा? मैडम जो नंदिनी मैडम आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई देती है ना,
वो मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया था। वो दवाई डिप्रेशन की दवाई से मैच होती ही नहीं है। क्या? लेकिन नंदिनी ऐसा क्यों कर रही है? आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये देखिए मैडम, ये वो दवाइयाँ हैं जो आपको दी जाती हैं। क्यों करेगी? ये मुझे कैसे पता होगा? आप एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते नंदिनी, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एक मेडिसिन के बारे में पूछना है। श्योर, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। मेडिटेशन में कोई इशू है क्या? आप बता सकते हैं इस चीज के लिए यूज होता है? ये तो एंटी कन्वल्सेंट्स है। दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल एपिथेटिक सीजर्स। पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो संगीता? नहीं नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? अगर बेसिस पर इनटेक है तो सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेस हो जाता है एंड ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। संगीता, इज देयर एनी प्रॉब्लम? थैंक यू डॉक्टर। अरे माँ जी, राजवी साहब कितने अच्छे हैं, कितने शांत और कितने अच्छे दिल के नेक इंसान हैं। सच कहा, मेरा राजवीर ना शुरू से ही एकदम अलग है। और पता है, मैं तो इस लड़की को शुरू से नहीं पसंद करती थी, मगर राजीव ने जिद करके इस लड़की से शादी कर ली। जरूर इस लड़की ने ना संगीता ने मेरे बेटे को फंसाया है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ जी, तो अभी भी कौन सा आपके हाथ से मौका निकला है? रेशमा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे माँ जी, आप ना संगीता से डिवोर्स दिला के ना राजवीर जी की शादी नंदिनी जी से करवा दीजिए। छी, उस नंदिनी से? वो तो और भी ज्यादा गई गुजरी है। पता है, वो रणवीर के कॉलेज में उसके जमाने से पीछे पड़ी हुई है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अभी तक शादी भी नहीं करी है। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने बेटे की शादी तुझसे करा दूं। अरे माँ जी, आप भी ना, राजवी साहब कहाँ और मैं एक नौकरानी, मैं एक सीधी सादी सी लड़की। वो आप फिर भी ना राजवी साहब से बात कीजिएगा। ठीक है, तुम कह रही है तो मैं राजवीर से एक बार बात जरूर करूँगी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ले एक बार। माँ, अगर आपको कोई और बात करनी है तो करो, वरना मैं चला। तू कब तक इसके पीछे पीछे भागता रहेगा? इसे छोड़ क्यों नहीं देता? तू दूसरी शादी कर ले बेटा, दूसरी शादी कर ले। संगीता मैडम, मेरे साथ चलिए ना, आपको कुछ बताना है। क्या हुआ रेशमा? अरे आप ये सब छोड़िए, चलिए ना मेरे साथ में, आइए। कब अकल आएगी तुझे? देख, मुझे अभी के अभी इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ये हुई ना बात बेटा। अब देख, मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी
और अच्छा किया तूने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा। अब देख, मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। और अच्छा किया तूने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। संगीता, हाँ माँ, देखना रोहित, मैं ही जीतूंगी। अरे रोहित बेटा, अच्छा कैसे हो? रोहित मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो आंटी? मैं भी ठीक हूँ बच्चे। अरे नंदनी मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपके बारे में ना सब पता है। मतलब क्या पता है तुम्हें? यही कि आप और राजवीर साहब बहुत प्यार करते एक दूसरे से और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और किसने कहा तुमसे? अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो माँ जी और साहब को बात करते सुना था, और तो और मैंने ये भी सुना था कि संगीता मैडम और साहब का तलाक भी होने वाला है। और तो और पता क्या? व्हाट रबेश, तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या? हर किसी की चुपके चुपके बातें सुनती हो। और कहाँ है राजीव सर? अंदर ही है। राजवीर। अरे नंदनी तुम? राजवीर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? चलो बेडरूम में। अरे लेकिन हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। चलो बोलो तो सही। ये सब क्या चल रहा है राजवीर? और ये संगीता को डिवोर्स देने के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? और ये मुझसे शादी करने का आइडिया किसका है? नंदनी तुम प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये शादी वाला आइडिया मेरी माँ का था, आजकल वो कुछ भी अनाप शनाप पूछती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राजवीर? और तुम सोच भी कैसे सकते हो मुझसे शादी करने के बारे में? नंदनी एक बार को मैं मेरे बारे में नहीं सोचूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा रोहित, अरे वो सारी जिंदगी बिना माँ के कैसे रहेगा? लेकिन राजवीर ये तो। पर क्या, अरे मेरे आगे मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कब तक उसका पागलपन झेलता रहूंगा? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं ना, कि मेरे खस्ता खेलता परिवारों पर नहीं। तुम भी इसमें राजी नहीं हो, बोलो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। राजवीर आई एम रियली वेरी सॉरी, अगर तुम भी यही चाहते हो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारे डिसीजन से एग्री हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी राजवीर। वाह वाह वाह, आज तक मुझे ये सब झूठ लगता था।
पर राजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम नंदनी, मेरे बचपन की दोस्त हो, मेरे पति पे डोरे डाल रही, तुम ये क्या कह रही हो संगीता? वाह, तुम आजकल लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन भी सुनने लग गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। वाह राजीव, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन तुम्हें उसकी कदर ही नहीं। रेशमा, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? कि तुम कोई रेशमा जोया नहीं हो। नाम की तो कोई औरत है ही नहीं, तुम मिसेस सीमा प्रसाद हो। आपने मेरा फायदा उठाया है डॉक्टर प्रसाद। अजमीर, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बीवी एक मेंटल पेशेंट है। मत बोल, तूने मेरी बीवी का जो किया है ना उसकी मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगा। हेलो, सीमा प्रसाद जी बात कर रही है क्या? जी हाँ, बोल रही हूँ। मैडम आप प्लीज सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पति डॉक्टर प्रसाद ने केबिन में सुसाइड कर लिया है। क्या? मेरे पति की मौत का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। डॉक्टर प्रसाद की बीवी, मैं यहाँ पे घर पे सबको बताने आई थी, तुम्हारी सच्चाई सामने लेने आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाके रहूंगी। घर में कौन कौन रहता है? सर मैं और मेरी बीवी संगीता, मेरी माँ, हमारी मेड रेशमा और मेरा बेटा रोहित। सब एक एक करके बताओ कि दो तीन घंटे पहले आप लोग कहाँ थे? सर मैं तो ऑफिस में था। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मंदिर गई थी। और रोहित के स्कूल में फंक्शन था तो मैं तो उसी के साथ थी। मैं घर पर ही थी सर, सोई थी। आपके घर में एक औरत की डेथ हुई है और आप सोई हुई थी? मेरी मेडिसिन के डोज स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। घर में आसपास कहीं कोई सीसीटीवी है? सर ऊपर रूम से रॉड मिला है। ये रूम किसका है? बॉडी को पोस्टमार्टम मिली गई और मैं आप सब लोगों से एक एक करके पूछताछ करूंगा। आज सुबह आप कितने बजे घर से निकले? सर 8 बजे, हर रोज की तरह। सुबह 9:30 बजे मंदिर में पूजा और कीर्तन था, इसलिए दोपहर 4 बजे तक मैं वहीं रुकने वाली थी। कल आपकी नंदनी से कुछ बात हुई थी क्या? नहीं सर, शाम मैं तो रोहित को लेकर 8:30 बजे निकल गई थी। मैं रूम में ही थी, मतलब सोई थी। कल से आपकी नंदनी से कुछ बात हुई थी क्या? हाँ, कल रात में फ़ोन पर हुई थी। वो कह रही थी कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है, पर वो आई नहीं और मेडिसिंस लेके सर में बहुत गहरी नींद में सो गई थी। आपके घर से एक लाश और खून से लथपथ रोड मिला है, इस पर आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन मेरा तो उस रूम में आना जाना भी नहीं था, लेकिन मेरी बीवी संगीता अकेले रहती है वहाँ पर। सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा जानती हूँ, बस उसका हमारे घर पर आना जाना था इसलिए बस उसे पहचानती थी। हाँ लेकिन एक बात है, लड़की थोड़ी चालू थी। चालू मतलब? साहब वो क्या है ना, राजवी साहब और नंदिनी मैडम का अफेयर था और वो तो संगीता मैडम को तलाक देने के बाद में उसके साथ शादी भी करने वाले थे, ऐसा सुना था मैंने। नंदिनी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई नोकझोंक हुई थी क्या? नहीं सर, वो तो तुम हैप्पी गो लकी टाइप गर्ल थी। मुझे कोई आइडिया नहीं सर। देखिए, जब तक असली मुजरिम का पता नहीं चल जाता तब तक आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। Thank you.
पर तुम्हारे सिवा कोई था नहीं और ना ही तुम दोपहर को सोती हो। देखो संगीता, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली को और प्रॉब्लम में नहीं डालती। राजवीर मुझ पर विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है इसने मारे जलन के नंदनी के साथ कुछ बुरा कर दिया है और अब हम सबको फंसाना चाहती है। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अपने बेटे रोहित की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बेटे की झूठी कसम मत खाओ। अगर तुम्हें रोहित के करियर इतनी भी फिक्र है ना, तो जाओ और जाकर सबको सच सच कबूल करो। चाची, चाची मेरी बात तो सुन लो। माँ जी, माँ जी। संगीता, अरे संगीता दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे संगीता समझा करो ना, दरवाजा खोलो ना। अरे मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो ना यार। संगीता, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे से गलती हो गई ना, I'm sorry। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने नीचे गिर जाओगे एक नौकरानी के साथ। जी मेरी लाइफ, मैं जो चाहे वो करूं। हाँ हाँ तुम तो कहोगे ना, पहले नंदिनी और अब रेशमा, अब तो तुम तो गुलछर्रे उड़ा रहे हो। संगीता मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलती चली जाओगे, मैं सुनता रहूंगा। ये लो डाइवोर्स पेपर्स, इन पे साइन करो और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं इतना नीचे गिर गई, मुझे लगा था मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगी तो तुम सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को चैन से जीने दो। राजवीर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, अगर तुम और रोहित मेरी जिंदगी से चले गए मैं तो पागल हो जाऊंगी, तो मर जाऊंगी। ये डिवोर्स अवास मैं नहीं मानती। देखो राजवी, हमारी एक फैमिली है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। देखो प्लीज राजवी, हमारा इतने सालों का रिश्ता, राजवी लग रहा है ना, जब तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ धीरे धीरे चला जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी संगीता, और मैंने भी ना ऐसे ही किया। सबसे पहले ना तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर, फिर तुम्हारी माँ जी को, और अब तो तुम्हारे पति को भी अपना बना लिया है तुमसे बदला लेने के लिए। कौन हो तुम? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? चलो मैं तुम्हारी ना मदद कर देती हूँ, वैसी जैसे नंदिनी को मैंने बचाया है। चल मेरे साथ।
अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को? मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? मुझे इस मर्डर के खिलाफ कोई सबूत मिला है। तो क्या कर रही हो? वही जो तूने मेरे साथ किया था। देखो सीमा, ये पागलपन मत करो। तुम्हारा डीएनए उस मर्डर वेपन पर मिला है। दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं एक खून करूं या दो खून करूं, सजा तो उतनी रहनी है ना। हाँ, और इसने तो मेरे पति को मारा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसको तो मैं जान से मार दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रेशमा, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो ना उसे यार। ये रेशमा नहीं है, सीमा प्रसाद है, उस पागल डॉक्टर की वाइफ। क्या? और इसी ने ही नंदिनी को मारा है। हाँ, नंदिनी को मैंने ही मारा है, क्योंकि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो मुझे पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी, तो मैंने उसे मार दिया। ये बेवकूफ, जैसे ही उठी इसने मुझे फोन किया और मैंने स्कूल से पुलिस को फोन कर दिया, जिससे मेरे बारे में किसी को शक तक ना हो। तुम्हारे पति डॉक्टर प्रसाद ने मेरे साथ रेप किया, प्लीज उन्होंने मेरा फायदा उठाया। नहीं, तुम लोग ना सब झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सीमा, अगर ये बात है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पति के लैपटॉप में 8-10 लड़कियों की वीडियो कैसे मिले। तो तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारा पति अच्छा इंसान है या बुरा। नहीं, तुम लोगों ने मिलकर मेरे पति को फंसाया है। डॉक्टर प्रसाद ने तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब किया है। वो ना मुझे जबरदस्ती टच करते थे और एक दिन उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा के मेरा फायदा उठाया। सीमा जी, ये सब सच है कि आपके पति ने इनके साथ साथ और भी पेशेंट के साथ गलत किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो सब कुछ अपने पति के लिए किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आप जाने दीजिए, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सीमा जी, आप छोड़ दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं सच में कुछ करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, अरे रेशमा आंटी, आप ये क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए।